हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जाम के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। इसके पहले भी हम कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे तो आपके यूपी पीसीएल एआरओ असिस्टेंट ग्रेड थर्ड स्टेनोग्राफर व अन्य यूपी पीएसएल के एग्जामों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे में पूरे हिंदी के क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस दे दिया है। एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी तक हमने आपको नहीं करवाए हैं, तो वो जल्द मैं आपको पूरा करवा। यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परीक्षा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही या चौथा सही, यानी कि हीय, हृदय, जिया या मन। तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 72 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपका हृदय क्या है, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, अचरज, भगत, मलिन, सुहाग। दोस्तों यहाँ पर आपको जो तत्सम शब्द है यानी कि मलिन, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, आप तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना, आगे आपका दिया गया है, तुम तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना, तुम तो मान गए पर आपका भाई नहीं माना, तुम पर तुम्हारा भाई नहीं माने। तो इसमें से राइट कौन सा आपका आंसर होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको दोस्तों है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको हो जाएगा दूसरा, यानी कि तुम तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माने, ये आपका एक शुद्ध वाक्य यहां पर लिखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, यहां पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, या ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन राइट, यानी कि इसका दूसरा वाला, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये क्या आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो दूसरा, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, ये आपका यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चार यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि पहला सांप्रदायिक, ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला यानी कि तुष्टिकरण। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब यहाँ पर क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे, यही सारे क्वेश्चन बार बार पेपर में आपके रिपीट होते रहते हैं। उसने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की, वाक्य में गढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है यति, इसका पर्यायवाची होता क्या है? तो यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा सन्यासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर। आगे यहाँ पे दिया गया, विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातःकाल होगा, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है विभावरी, इसका पर्यायवाची 81 नंबर क्वेश्चन आपका है, यानी कि रात्रि, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है, इसके चार यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, कौवा काव काव कर रहा है, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है, चार यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह है, चार यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या दोस्तों आपका निंदनीय है, ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला राइट आंसर।
आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, कोई भी वस्तु ना तो एकदम ग्राह्य हो सकती है और ना ही सर्वथा। चार यहाँ पे इसके ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो तीसरा ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करें, घृणा को से जीतो, किससे जीतो, ठीक है, इसके चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरे यानी कि प्रेम, घृणा को क्वेश्चन प्रेम नंबर 87 से सेवन। जीतो। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अंतेवासी के लिए अनेक शब्द हैं, यानी कि अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा, 88 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका यानी कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि अनेक शब्द है। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या सदा अमर रहने वाला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वेश्चन युद्ध नंबर यहाँ पर आपका करने का 90 दिया इच्छुक। गया, प्रत्युत पन्नमति के लिए अनेक शब्द हैं, इसके चार ऑप्शन है, उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों है क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका दूसरा यानी कि जो तत्काल उत्तर दे सके, सेकंड वाला यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आगे नंबर बात नाइन्टी करेंगे, वन अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए, पहला आपका रसिक है, दूसरा आपका वर्ण्य है, तीसरा आपका शहर है, चौथा आपका वैष्णव है। तो आपका जो दोस्तों शहर है ये आपका क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कर देते शहरी कर देते तो वो आपका हो जाता है विशेषण, और यहाँ पे आपका रसिक हो गया, वर्ण्य या वैष्णव, ये आपके क्या है, ये आपके एक विशेषण है, लेकिन आपका जो शहर है ये आपका एक संज्ञा है, और अगर यहाँ पर हम कर देते शहरी कर देते, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है एक विशेषण। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, चार यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला है अपमानित, अंशुल, आदरणीय या ईमानदारी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी दोस्तों क्या है, ये आपका एक विशेषण नहीं है, ठीक है, ये आपका एक संज्ञा है। अगर अब यहाँ पर हम करते ईमानदार तो आपका ये हो जाता है एक विशेषण हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है, चार ऑप्शन है, मिठाई, भुलक्कड़, लालची या सुगंधित। तो मिठाई क्या है आपका, ये है कि विशेष है, मिठाई विशेष, और इसका जो मीठा विशेषण होता है, ठीक है, मिठाई विशेष का जो मीठा है ये विशेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष पद या शब्द है, भारी, रूस, मुखर या मासिक। तो रूस क्या, ये दोस्तों आपका क्या है, विशेष, एक विशेष शब्द है, ठीक है, और रूसी का है आपका ये विशेषण होता है। निम्नलिखित में विशेषण पद या शब्द है, भय, मधु, मौनी या मन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मौन है, ठीक है, मौन आपका यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि मौन क्या है, ये आपका विशेष्य है, और मौनी क्या यहाँ पर आपका ये एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि मौनी, ये आपका विशेषण है, और अगर इसका विशेष की बात की जाए तो वहाँ पर होगा मौन होगा, ठीक है, विशेष्य। मार्ग का पर्यायवाची शब्द लिखिए, चार ऑप्शन है, माघ, माह, मास या राह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर यानी कि राह। इसके अलावा इसका रास्ता भी होता है, ठीक है, पथ भी होता है, पंथ भी होता है, बाट भी होता है, ये भी जो है मार्ग के पर्यायवाची होते हैं। वाक्य को सही क्रम में लिखिए, यहाँ पर इस वाक्य को आपको सही क्रम में लिखना है, ठीक है। वाक्य क्या है, राम भक्त होने के नाते तुरंत राजी हुए सीता से मिलने के लिए अंजन पुत्र हनुमान। तो इसको आपको क्रम में लिखना है, यानी कि राम भक्त होने के नाते अंजन पुत्र हनुमान सीता से मिलने के लिए तुरंत राजी हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, भूतकाल में इसको आपको चेंज करना है, ठीक है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, चार यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया यहाँ पे चौथा यानी कि बच्चे चिल्ला रहे थे, ये आपका हो जाएगा भूतकाल में चेंज हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, मैं उसे भली भांति जानता हूँ यानी कि भली भांति। यहाँ पर रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, आपका रीतवाचक है। क्रिया विशेषण के जो है चार भेद होते हैं, पहला आपका स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतवाचक। और वाक्य में मैं
उसे भली भांत जानता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या भली भांत क्या दोस्तों, आप ये आपका है रीत वाचक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन पहले नंबर से ही हंड्रेड बता यहाँ पर आपका रखा। है कि वाक शुद्ध कीजिए, वह दंड देने योग्य है। यहाँ पे इसको शुद्ध करना है, ठीक है, तो वह दंड के योग्य है। आगे बात करेंगे, क्रिया के भेद लिखिए, वह खाना खा रही है, या कौन सा आपका है, यहाँ पे क्रिया में कौन सा भेद है आपको बताना है, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणाथक है, या द्विकर्मक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आपका सकर्मक है। अब सकर्मक क्रिया होती क्या है, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जैसे कि वह खाना खा रही है। और अकर्मक किसे बोलते हैं, अकर्मक उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसके साथ कर्म नहीं होता, यानी कि जो फल है वो कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि राधा रोती है। अब बात करेंगे द्विकर्मक, तो जिसमें कि दो कर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि मोहन ने सोहन को थप्पड़ मार दिया। अब अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो तीसरा, यह आपका प्रेरणाथक है, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया मिलकर बनती है, जैसे कि सोना, खाना या पिलाना, ठीक है, ये सारी चीजें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए, पैसे को जेब रखो, ठीक है, के अंदर रखो, के बाहर, के नीचे, के पीछे। 102 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सिंपल सा है, के अंदर क्वेश्चन रखो, नंबर एक पैसे सौ को तीन जेब संज्ञा में। के भेद लिखिए। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। वीरता दोस्तों यहाँ पर इसका आपको बताना है, इसकी क्या संज्ञा, जातवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समुदाय वाचक है। तो यहाँ पर आपका जो भाववाचक है आपका संज्ञा है, ठीक है, कैसे, क्योंकि संज्ञा के होते हैं पांच प्रकार। पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका होता है जातिवाचक, तीसरा आपका होता है द्रव्यवाचक, चौथा आपका होता है समूहवाचक, और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं में दोस्तों क्या होता है, भाव होता है, गुण होता है, दशा आदि का बोध होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, मुहावरे का अर्थ लिखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना है, इसका मतलब होता क्या है, यानी कि साथ मिलकर ना रहना। आगे बात करेंगे, उड़ती चिड़िया पहचानना, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर, रस नंबर की एक सौ बातें छह जान विशेषण लेना। के भेद लिखिए, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, चार क्या है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आगे बात करेंगे, वाक्य को सही क्रम में लिखिए, तो इस वाक्य को आपको यहाँ पर लिखना है सही क्रम में, ठीक है। सीता की इच्छा अनुसार रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुंचे, सोने की हिरण को पकड़ने उसके पीछे भागते भागते, यानी कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो 4 वाला दिया गया, यानी कि ये, ठीक है, 4 वाला यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कि सीता की इच्छा अनुसार सोने की हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागते भागते श्री क्वेश्चन नंबर रामचंद्र एक जी सौ जंगल नौ के भीतर। विलोम शब्द लिखिए, तो उत्थान का यहाँ पर आपका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका है यानी पतन, ऑप्शन नंबर इसका 3रा वाला हो जाएगा राइट आंसर। 110, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी गहराई का पता न चल सके, उसे बोलते क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसको बोलते हैं आपका अथाह, ऑप्शन नंबर 3रा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे, पर्यायवाची शब्द, विश्वास का पर्यायवाची, चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, यानी कि भरोसा, ऑप्शन नंबर इसका जो बी क्वेश्चन है ये नंबर हो एक सौ जाएगा इसका बारह राइट। शाश्वत, इसका विलोम क्या होगा, शाश्वत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये सदा रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 1 है इसका मतलब क्या है, क्षणिक, यानी कि तुरंत है, शीघ्र जो है समाप्त होने वाला, ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करेंगे, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, मोहन की बुद्धि है, क्या है दोस्तों, तेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो पहला होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, वाक्य शुद्ध कीजिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका चौथा, जीवन और साहित्य का क्वेश्चन घनिष्ठ नंबर 115, संबंध है, वर्तनी शुद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य में शब्द और पद चयन करके सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि लड़की यमुना के किनारे नहा रहे हैं, इसमें आपको शब्द और पद का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो पहला, यानी कि लड़की और यमुना के, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका जो लड़का है, ठीक है, लड़के, इसका प्रयोग शब्द के रूप में हुआ है, और यमुना के का प्रयोग आपका जो है पद के रूप में किया गया है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पद भेद का विकल्प चयनित कीजिए, यानी कि आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे, ये आपका क्या है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषक पदबंध है, या क्रिया विशेषक पदबंध है,
यानी कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि संज्ञा पदबंध। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के उचित भेद की विकल्प का चयन कीजिए। माली पौधों को पानी दे रहा है, ये क्या आक्रामक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका क्या है, ये आपका सकर्मक है। और अभी हमने आपको बताया कि सकर्मक इनको बोलते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, दीपिका सेब खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर ये आपका सकर्मक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य में सही भेद के विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, ये आपका कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त है, मिश्र या सरल या संयुक्त है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम डिटेल में पहले से ही पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका क्या है, संयुक्त। ठीक है, मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, यह वाक्य क्या है दोस्तों, यह आपका संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य में दो सरल वाक्य परस्पर जो है संयुक्त किए गए हैं, किससे, लेकिन, लेकिन बीच में लगा के जो है दो जो है सरल वाक्यों को यहां पर जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ, तो ये कौन सा आपका वाक्य है, यानी कि ये दोस्तों आपका कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो यहां पर क्या है, यह दोस्तों एक आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में एक सरल और दो आश्रित वाक्य हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मिश्र वाक्य है। तो ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से पहले से ही बताया। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन आपको करना है। यानी कि यहाँ पर दिया गया, अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न मिला, इसको आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रैक्टिस सेट है, और सेम इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और कौन सा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर इसका होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य बनेगा। और ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से बता भी रखी है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 122 है, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला। आगे बात करेंगे, जैसे ही बादल घिरे वर्षा होने लगी, इसको आपको सरल वाक्य में बदल चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू वाला, बादल घिरते ही वर्षा होने लगी। आगे बात करेंगे, वह लाल कमीज वाला मेरा भाई है, यानी इसको आपको चेंज करना है मिश्र वाक्य में। कैसे इसको चेंज करेंगे, यानी कि जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा भाई, ये आपका हो जाएगा कि मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है, एक आपका होता है सरल वाक्य और एक आपका होता है आश्रित वाक्य, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसे बोलते हैं हम मिश्र वाक्य। क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर 125 दिया गया है, और आपको बताना है कि इसका आपका जो संधि का सही विकल्प यहाँ पर आपको चयन करना है। ठीक है, चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा वाला राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126, और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा 126 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। और ये दोस्तों आपका क्या, यहाँ पर गुड़ संधि होगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद के विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके यहाँ पे दिए गए चार ऑप्शन, और यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तीसरा। पहचानते कैसे कि यदि पद्य पंक्तियों में ज्यों त्यों मानो जानो ये अगर सारे शब्द आते हैं तो वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या है, निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयन कीजिए यथा रुचि, चार ऑप्शन है यानी कि रुचि के अनुसार। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही मुहावरे के विकल्प का चयन कीजिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 132 यानी क्या यहाँ पर कि निम्न लिखित मुहावरे के सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। सूरज को दीपक दिखाना है यानी कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना। 133 निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ के विकल्प को चिन्हित कीजिए। हींग लगन ने फिटकरी रंग भी चोखा होए। तो ऑप्शन नंबर इसका थ्री यानी कि बिना पैसा लगाए लाभ प्राप्त होना। आगे दोस्तों 134 आपका दिया गया और 135 दिया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको ये मेरा पसंद आया है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है आप वहाँ पर कमेंट भी करके हमको बताएं कि यहाँ पर इनके आंसर्स क्या होंगे। तो दोस्तों ये था एक आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट UPPCL एग्जाम के लिए हिंदी का, और जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमने आपको बताए हैं ये सारे टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और यही सारे टॉपिक आपके UPPCL के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने आपको बताए हैं या जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट दिया है, अगर वो सारे आप कर लेते हैं तो UPPCL के एग्जाम में दोस्तों आपका हिंदी के पेपर में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।